तथागत बुद्ध निष्प्रपंच रहते हैं। धम्मपद में मलवग्गों में गाथा है, आकाश में पैर के चिन्ह नहीं पड़ते, सन्यासी के बाहरी लक्षण नहीं होते, संसारी प्रपंच में लगे रहते हैं किंतु तथागत ज्ञानी निष्प्रपंच रहते हैं। जैसे आकाश में पैर के चिन्ह नहीं पड़ते, वैसे सन्यासी के बाहरी लक्षण नहीं होते। साधु सन्यासी के वेश केवल वेश हैं, वे सन्यास के श्रमण के साधु के लक्षण नहीं हैं। श्रमणपन तो पूर्ण निष्काम अवस्था है, जो भीतरी विषय है वह मन का विषय है। अतः किसी संत की जीवन मुक्ति स्थिति को दूसरा कैसे जान सकता है। मोक्षानुभव स्वयं संवेद्य है। संसार के लोग प्रपंच में डूबे रहते हैं। प्रपंच का अर्थ है विस्तार। मन में जितनी तृष्णा होती है उतना बाहरी विस्तार करने का मन होता है, किंतु मात्रा से इसका आकलन नहीं हो सकता। किसी का सहज ही बहुत विस्तार हो जाता है और किसी का बहुत करने पर भी नहीं होता। अतएव जिसके मन में शांति नहीं है वह मानो प्रपंच में पड़ा है, और जो पूर्ण शांत है वह निष्प्रपंच है। तथागत निष्प्रपंच होता है। तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे आया अथवा जैसे गया। तथागत तथा आगत जैसे आया और तथागत जैसे गया। हम इसका लाक्षणिक अर्थ कर सकते हैं जैसे पूर्ण निर्मलता से आया वैसे पूर्ण निर्मलता से गया। कबीरदास जी की भाषा में अगर हम कहें तो ऐसे है ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया वाला मनुष्य तथागत है। अतः तथागत शब्द का लाक्षणिक अर्थ है जीवन मुक्त। बुद्ध के लिए यह शब्द अधिकृत रूप में प्रयुक्त है। तथागत निष्प्रपंच होते हैं। जीवन मुक्त निष्प्रपंच होता ही है। नमो बुद्धाय।